आज कहे आज मेरे को माँ कहेगा तभी दूंगी। फल ले ले अनाज, तू फल ले ले लाला, पर मुझको अनाज दे, बदले में कछु तो देगा। फिर छुम छुम करते कन्हैया अंदर की ओर गए। अंदर जाके छोटे छोटे हाथों में, छोटी छोटी हथेली में अनाज के थोड़े से दाने लिए और छुम छुम करते वापिस आए, तो अनाज के दाने छोटी सी कन्हैया में कितने आए होंगे। वो अनाज के दाने मालिन को वहाँ पर दिए और फल लिया। फिर कहा, उनके मन में आई कि मेरी गोदी में बैठा लूँ। मालिन के मन में आई, जब उनको इच्छा परिपूर्ण हुई तभी वहीं से ब्रह्म संबंध संपन्न हुआ। और आंखें खोलने के लिए उसी समय यश कृष्ण ने कहा, माँ तुमने आंखें खोल। जो इन्होंने कहा, बोल नंद के लाला की। उन्होंने सोचा मेरे कन्हैया को मेरी नजर न लग जाए, अपनी टोकरी लेकर के सारे के सारे फल फूल वहीं डाल के अपनी टोकरी लेके सुखिया मालन घर गई। घर देखे तो लाला किसी का ऐसा नहीं लेते हैं, वो जो इतने अनाज के दाने रखे थे वो सब रत्नों में परिवर्तित हो गए। यत करोशी यदश्नासी यज्ञ होशी ददासी यत यत पश्यसि कौन्ते यत तदर्थम कुरुष्व में। भगवान जैसा का वैसा दे देते हैं। बाल लीला पूरी हुई, अब वृंदावन लीला का आरंभ होता है। वृंदावन के बारे में तो क्या बोले भैया, वृंदावन नाम आते ही मेरे को कुछ हो जाता है। आगे की लीला उससे कह देती हूँ, सुनाएगा आगे की लीला। वृंदावन लीला, वृंदावन नाम से, वृंदावन वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। भैया फिर वृंदावन चल रहे हैं, ऐसे ही चलेंगे। हाँ, जुगल बिहारी सरकार की। वृंदावन धाम अपार, नाचते गाते ना चलोगे का। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। तू वृंदावन में आयो तन राधे नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तन राधे नाम न गायो। तेरा जीवन है बेकार जपे जा राधे राधे। तेरा जीवन है बेकार जपे जा राधे राधे। यम ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। यम ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे बजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे बजे जा राधे।
राधे अलबेली परकार जपे राधे 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 अलबेली परकार जपे राधे राधे जय राधे 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 राधे। अरे भैया बोलो राधे जय राधे 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 की धुन बिना ऐसा लगे कि का भयो आसा छह दिलाते कोई कृष्ण कन्हैया लाल की जय कोई राधे भैया की बात ही नहीं ली आज राधे राधे भाई तो ऐसा लगा। हाँ बोल राधे रानी की देखो भाई वृंदावन तो देखो राधे रानी की गोदी है गोदी और वो राधे रानी की गोदी है वहां पर वृंदावन में कृष्ण को लेकर उपनंद गए। वृंदा का अर्थ है भक्ति यानी तुलसी। तुलसी जहां पर हो वहां तुलसी कृष्ण को प्यारी कृष्ण के शालिग्राम जी पे चढ़ती है उसका पूरा वन। लेकिन उसकी मालकिन कौन? श्री राधा रानी। बालक को अगर बचपन से धर्म के संस्कार दिए जाएं तो मन बड़ा कोमल होता है वो पकड़ लेता है। तो बालक को अच्छे संस्कार देने वाले माता पिता अगर ठाकुर की तरफ उनकी बचपन से वृत्ति लगा दे तो जीव मात्र वृंदावन की ओर प्रस्थान करे। अब वृंदावन कौन सी? भक्ति। तन मेरा मन मेरा बने वृंदावन। ये यमुना किनारे बसी हुई है वृंदावन। यमुना भी भक्ति तदैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुला स्वरोज शाति शोभिता नंदिनीम दुरंत मोह भंजनीम भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजन। ये मोह को भंजन करने वाली यमुना महारानी वहां वृंदावन के पास बसती है। ये यमुना महारानी वृंदावन के पास नंद और उपनंद इसलिए लेके आए कि नंद थे आनंद के स्वरूप और संतोष के स्वरूप। ये दोनों अगर हमारे भीतर में आ जाए आनंद और संतोष स्वीकृति हो जाए तो हमारा मन वृंदावन में ही बसे। वृंदावन कहीं बाहर से लाने की जगह नहीं। हम लोग सोचते हैं ट्रेन से बैठो मथुरा उतरो मथुरा उतर के फिर लो और रिक्शा चला के वहाँ वृंदावन चले गए। अरे वृंदावन इधर है। देखो आज तन मेरा वृंदावन मन मेरा वृंदावन भय जाए। चाचा उपनंद श्री कृष्ण को वृंदावन ले गए। अब क्योंकि वहाँ पर गोकुल में कई लोग आ जाते थे कंस को पता लग गया था इसलिए वो राक्षस भेजता रहता था। अब जो ही वृंदावन में प्रवेश किया वहां से दो काम बहुत अच्छे किए। वृंदावन में प्रवेश करने के बाद बांसुरी लिए। बांसुरी कहां ली? वृंदावन में प्रवेश करके। किंतु मोहक विषयों में फंसा हुआ प्राणी बांसुरी नहीं सुन सकता। जब अगर अपना मोह में अपनी अपना कान मोहक विषयों में अपने कान और वाणी फंसी हुई है बांसुरी नहीं सुन सकता है। केवल भगवान की तरफ गए हुए प्राणी को ही बांसुरी सुनने में आती है। अब आएगा वेणु गीत तो बांसुरी पे बोलेंगे। वहां पे दो बाधाएं उपस्थित होती है वृंदावन में। दो बाधाएं, एक वत्सासुर दूसरा बकासुर। अब यहां असुरों को मारने की लीला शुरू हो गई है। बच्चे वत्स चराने के लिए गोवत्स चराने के लिए वृंदावन से शुरू करते हैं।
पहले बछड़े चराने जाते, फिर गोचारण लीला होती है, पर बछड़े चराने के समय ये कहते एक है वत्सासुर, एक है बकासुर। वत्सासुर का नाम है अज्ञान और दम्भ, अज्ञान और अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा वत्सासुर है, बकासुर है दम्भ। देखो बगुले को देखो, एकदम खड़ा हो जाएगा ऐसे, कैसे दम्भ वाला आदमी ऐसे खड़ा हो जाता है कि जैसे उसको सब आता है। बगुला दम्भ का प्रतीक है, भक्ति के किनारे जनरली दम्भ आके बैठ जाता है। जब भक्ति के बैठते हैं, भक्ति के किनारे दम्भ जरूर आ जाता है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम ये करते हैं। बाहरी चोला तो अच्छा हो लेकिन अंदर कपट हो, वह बकासुर। सीधी सी बात, बाहरी चोला तो अच्छा हो, अंदर दम्भ और कपट हो, वो बकासुर। अपने अपने को देख लो, आगे मैं क्या कहूं। आगे यमुना किनारे बगुला खेल बिगाड़ जाता है। एक बार श्री कृष्ण भगवान बाल मित्रों के साथ बछड़े चुराने के लिए गए, वहां बकासुर पुतना का छोटा भाई आया, कंस ने भेजा था। वहां उस बगुले को देख करके सबने कहा बड़ा अच्छा लग रहा है, उसके पास गए, पर भगवान कृष्ण को पता लग गया और दोनों चोंच से पकड़ करके बोल नंद के लाला की जय। अज्ञान और दम्भ अपने आप आ धमकता है। वहीं पर दोबारा अघासुर, अघासुर मतलब पाप, अघ मतलब पाप, अजगर का रूप लेकर के वहां पर आया। ये अघासुर हम सबके पीछे पड़ा हुआ है, अघासुर कोई वहीं नहीं था, अघासुर हम सबके पीछे पड़ा हुआ है। कैसे कैसे पड़ा हुआ है? पाप, हम तो कछु करो कछु पाप बन ही जाए। वो सब गोप बालकों को निगलने के लिए आया और उसने क्या किया, ऐसे अजगर का मुंह करके ऐसे दोनों तरफ से ऐसे कर दिया, इधर ऊपर इतना ऊपर मुंह फैला दिया। गोप बालकों को लगा लाला बड़ी अच्छी गुफा दिखे, चलो हम तो इस गुफा में चल पड़े। और लाला तो बाहर थे और गोप बालक अंदर घुस गए, जहां कृष्ण को छोड़ के जाएंगे वहां गोविंदा है, नमो नमः है ही। तो आगे की ओर चल पड़े, पाक के अघासुर के उधर में पहुंचा हुआ व्यक्ति अपने आप बाहर नहीं निकल सकता। कोई बाहर का पुण्यशाली संत या कोई भक्त या कोई प्रभु की कृपा हो तो बाहर निकल सकता है। पाप और सांप एक समान है, पाप और सांप एक समान है, इसलिए पाप ने सांप का रूप लिया है। सांप द्वारा काटे जाने पर अगर हम उस अंग को शीघ्र काट न दे तो जहर चल जाता है, वैसे ही पाप का चिंतन आते ही अगर पुण्य का उस समय के लिए अंदर रह जाएगा तो वो विषयासक्त होकर के हमारे अंदर जहर फैल जाएगा। अघासुर का एक होठ नीचे और दूसरा होठ आकाश तक पहुंचा हुआ था। ये पाप है ना, ये भीतर से चलता रहता है। सबसे बड़ी बात है हम लोगों को पता भी नहीं चलता कब हम पाप की ओर चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। वासना के प्रवाह में हम फंसते रहते हैं, पापाचार करते हैं तो भी अगर भगवान का स्मरण करते रहें। हमें खुद को डोंगरे जी महाराज ने बताया था, यहाँ से घर से बाहर जाओ, बोले घर से बाहर जाओ तो भगवान को कहो तुम हमारे साथ चलो दर्शन करो, और घर में बाहर भीतर अंदर आओ तो भगवान से कहो मैं आ गया भैया, तेरे को साथ लेके गया था, तेरे को साथ लेके वापस आ गया, तेरे पास घर में आ गया। ये डोंगरे जी महाराज ने हमसे खुद से करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा बार कर ही लेते हैं। वैसे ही पाप के साथ में अगर भगवान को रखा जाए तो पाप से थोड़ा सा डर लगेगा। और यहाँ पर अघासुर के गुफा में सबके सब बालक बिना कृष्ण के चले गए। अब कभी कभी जाओ ना, पाप करो ना अघासुर के मन में, तो ताली बजाते हुए जाओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। नहीं रहा जाए तो साक्षी में भगवान को रख लो। और ये मेरी नहीं कथा, ये जीती जागती कथा है। क्यों? वो चोर
वो मंदिर के ऊपर घंट लेने के लिए गया था, पापी करने गया था ना, साथ में रखा था ना, और देखिए बैठे वृंदावन के, इनसे पूछिए, पाप का चोर चोरी करने के लिए लगा और भगवान के ऊपर कलश रखा था, मदन मोहन जी का मंदिर, मदन मोहन जी के मंदिर के ऊपर। हम तो सुनी सुनाई बात कहते हैं भैया, हम तो कहाँ वहाँ थे, पर हम तो सुनी सुनाई बात आपसे शेयर कर रहे हैं। उसको चोर चोरी करने के लिए गया, वो मटकी लेने के लिए गया, उस समय बिजली बिजली तो थी नहीं, तो जब घंटा बजता था घड़ी का, उस घंटे पे वो एक खिल ठोकता था, दूसरा घंटा बजता उस पर एक कील और ठोकता था, उससे चढ़ करके, और उसने आज तक वो मदन मोहन मंदिर में कलश नहीं है, वो कलश लेकर के जमुना जी में कूदा। सबने कहा चोर आ गया, चोर आ गया, पर मदन मोहन जी ने उनका साथ दिया। और चोरी क्यों, की साक्षी मदन मोहन जी की थी। अघासर के उधर में जाते समय गए, जब अंदर की ओर जाने लगे, साक्षी तो भगवान थे, लेकिन जो ही कहा कन्हैया कन्हैया, उसने क्या किया, अपना मुंह बंद करना शुरू किया, अपना चीज छोटे करना शुरू किया, कन्हैया कन्हैया कन्हैया, अटके न प्रयुक्त हो यम पापम चरित पुरुष अनिच्छन विवाष्णेय बला। बाद में उनका मन, वैसे तो बालक सारे दिन जो कन्हैया कन्हैया पुकारा, कन्हैया वहां गया, अंदर जाके अपने शरीर को इतना बढ़ाया, और अघासुर का वहां पर बोल नंद के लाला की। इतनी चीजें लीला में है कि अघासुर को सांप बनाया, बकासुर को बगुला बनाया। इसका तात्पर्य है कि पाप बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाता है, तो जितना जितना कृष्ण ने अपना रूप बढ़ाया, उतना उतना पाप की मृत्यु होती गई। तो जितनी कृष्ण भक्ति हम बढ़ाते चले जाएंगे, पाप का नाश होता चले जाएगा। अब ये जो घटना अघासुर की हुई, ये लोग एक साल के बाद जाकर के अपने माता पिता को बताए। सोचिए क्यों, एक साल के बाद बजाया, क्योंकि वैसे तो रोज की लीला अपनी माताओं को उसी समय बता देते थे। बात पांचवें वर्ष में हुई है, पर लीला सुनाई अपने माता पिता को छठे वर्ष की। परीक्षित राजा ने कहा कि मुझे बताइए कि कैसे हुआ। तो उसी समय वहां से अघासुर का वध होने के बाद, देखिए ये लीला है ना, भाव से सुने तो बहुत है पर सामने दिख रहा है। कन्हैया और सभी बालक एक साथ मिलकर, भूख लग गई लाला कन्हैया, भूख लगे। उस दिन कन्हैया ने कहा था सगरे लेके आइयो भैया, संग संग खाएंगे, मित्रों के संग खाने की, यहाँ सख्य रस पूरा चू 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 रहा, सख्य रस का एकदम पूरा का पूरा सखा बालकों के साथ बैठ करके खा रहे। और कैसे बैठे, जैसे कभी किसी के ठाकुर जी बीच में हो ना, तो खाना कैसे खाना चाहिए, बीच में ठाकुर बैठे हैं, आजू बाजू एक लाइन दो लाइन, सब जने ऐसा सोच रहे हैं यहाँ से मैं ठाकुर के पास हूँ, यहाँ से मैं, चक्र व्यू की तरह पद्म व्यू की तरह रचकर भोजन के लिए बैठे। कमल की पंखुरियां जैसे पास पास होती हैं, एक दूसरे को लग कर, कितना आनंद आया होगा। सब अपने अपने घर से बोले, आज सब लोग अपने अपने घर से लेकर, मधुमंगल ऐसा था, सबने एक दूसरे को, एक दफे हमने भी किया था, एक संतरे की कलियां कलियां एक दूसरे को दी, ठाकुर के हाथ की कलियां भी, एक एक संतरे की कली इतनी प्यारी लग रही थी, आज तक वैसी फ्रूट की मेरे को। बीच में बैठकर सभी इच्छाएं पूरी करी, कोई दिन हमारे भी आएगा, हम सखी परिकर भी बैठेंगे और बीच में कृष्ण हमें राधा रानी बीट करके हमको भी। इतने सालों से सखी परिकर उनके सानिध्य की इच्छा कर रही है, तो आगे तो मिलेगा ही ना, अब यहाँ तो वृंदावन जाना हो तो वृंदावन में तो मिलेगा, कहाँ जाएगा, भाग के ना जा सके वृंदावन, क्या बोले पाद रेणु ना वृंदावन छोड़ तजम पाद एकम न गच्छत न गच्छ न सो छोड़ूंगा, तो वृंदावन तो पकड़ी में आ ही जाएगा अपने आप। अन्य जैसे ग्वाल पोखरा, अभी भी गोवर्धन में ग्वाल पोखरा की जगह, वहां पे छात पाई, वहां पर अभी भी वो जगह मौजूद है, और इसको जाने का काम पड़ा और बहुत आनंद आया। सब लोग बैठ करके खा रहे थे, जो ही सब जने बैठ करके खाने लगे, एक बछड़े अलग रह गए थे। अब बछड़े अलग रह गए वहां थे, जब मधुमंगल ने कहा मैं लाला कछु नहीं ला, पीछे पीछे हटने लगा। लाला ने कहा ऐसे नहीं, दोस्ती में ऐसे नहीं होता, सब अपना अपना दो। तो मधुमंगल पीछे हटा, उसके पास कुछ नहीं था, गरीब था, घर में माँ को कहा लाला ने कछु मांगे, मैं को दे दे।
अच्छू नहीं तो आटा मिला के और दे दियो, दूध तो नहीं था तो जो ही वो लेकर के आयो, लाला को तो सगरी बात पती लग जाए। लाले ने कहे, सगरे ने दिया मधुमंगल, उन्होंने कहा कोई मिठाई दे रहे हो, कोई कछु दे रहे हो, मैं ये कहा दूं? तो तुरंत मधुमंगल ने अपनी कटोरी से खुद ही पीने लग गया, खुद ही पीने लग गए। जब उनसे कुछ गुरो तो लाला ने वह मुख से लेकर के और वो दूध को प्राप्त, वो दूध को पान किया। जब वो मुख यहाँ पर देखियो, ब्रह्मा जी वहां से आए के जा रहे थे कि सुना है लाला ने जन्म लियो। जब ऐसे रूप को ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये कोई ईश्वर हो सकता है कि एक बच्चे के मुख से लगी हुई वो दूध को चाट रहा है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, उन्होंने तुरंत बछड़ों को उठा ले गए। और देखो क्या क्या खाया है उस समय जो लेने लगे। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणो मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुरिदो हासयन्नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञपालके। मैंने कल भी मधुकरी के बारे में कही, टेंटी का अचार। और बोले वृंदावने, जो वृंदावन में फल होता है तो वृंदावन में टेंटी होए, कड़ील के गंज में और का होए, तो वहाँ टेटी को अचार और जो लाया था उस सगरी के सगरी रोटी उस सब सब। देखो मेरे को तो मधुकरी बहुत अच्छी लगे। अब ऐसा नहीं करिए कि यहाँ आते ही कल वृंदावन जाके मधुकरी मांगने चले जाओ, उस समय नहीं ऐसा हो। मैं एक संत के साथ गई थी कहीं दर्शन करने के लिए, वो ये है ना अपने बद्री जी के आगे और केदार के बीच में एक जगह पड़ती है गोवर्धन में, नारद कुंड, नारद कुंड गई। तो वहाँ वो संत के पास बैठे, तो संत ने उठा करके वहाँ से कोई चीज खाई। अब एक दूसरे में टूट पड़े कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। अरे संत ने खाई जरूर, थोड़ी आपको भी मिले, पर मिल गई। ऐसे ही श्री कृष्ण की छटा बहुत निराली, कमर में बांसुरी बंधी हुई थी, बगल में सींग और लकड़ी थी, बाएं हाथ में घी युक्त मिले हुए चावल का ग्रास था। कल्पना करो, नेत्र बंद करके दर्शन करो कि कैसो कृष्ण लग रहे हो। सभी के मध्य में बैठकर भोजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? टेंटी का अचार और रोटी। मन से सच्चा वैष्णव हमेशा वृंदावन ही रहता है। देखो आगे की लीला सुनाने को मन नहीं कर रहा, वृंदावन पहुंच जाए फिर वृंदावन के भजन गाने लग जाऊंगी। ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ और वो लेकर के चला गया यशोदा ने। शांडिल्य ऋषि से कहा था कि मधुमंगल को रोज भोजन करके भेजना। मधुमंगल ने ये पानी लिया, उसको पीते हुए देख करके, जो दूध पीते हुए देख के ब्रह्मा जी को मोह हो गया। एक बार किसी को भजनानंद लग जाए ना, फिर भोजनो आनंद भी को लगे। का लगे? भजनानंद पड़ गयो, भजनानंद की आदत पड़ गई। राधे राधे की आदत पड़ चाहिए तो कभी अंत नहीं आता। ये चाहिए का, ये चाहिए, ये चाहिए। सुनाई थी ना एक आदमी को रात को पलंग के बिना नींद नहीं आती थी, तो पलंग लेकर के ढो रहा था। किसी ने कहा अरे दिन भर क्या ढोता रहता है तू ये? बोले कहा करूं, रात को नींद नहीं आती है पलंग तकिया बिना। बहुत लोग कहते हैं हमको ऐसे नहीं तो ऐसे नींद नहीं आती। अरे दिन भर थकोगे तो नींद आएगी, थके ही नहीं तो नींद को लाने के लिए 100 उपाय करना पड़े। चाहिएगा कभी अंत नहीं आता। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। परमात्मा ये नहीं देखता कि जीव को क्या चाहिए, परमात्मा ये देखता है कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। मधुमंगल की छाछ पीते हुए ब्रह्मा जी ने सोची और बच्चे भगवान की दृष्टि में रखकर उन्होंने बछड़ों की चिंता को हटा दिया। जो ही सब लोग छाक करके बाहर उठे तो ढूंढ नहीं पाए। पूछो अरे लाला अपने को तो बछड़े नहीं दिखाई पड़ रहे। लाला कहे यही तो हते, अभी चल रहे होंगे, इधर उधर गए होंगे।
लाला सचमुच नहीं दिखाई पड़ रहे, कहाँ खो गए? अब सब कहे हम घर जाएंगे, क्या करेंगे? श्री कृष्ण ने आगे जाए के कहा, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, कृष्ण की तो इच्छा सृष्टि है। आगे देखे तो लाला समझ गए ये काऊ को कर्म है, अपने जाके आगे की ओर बढ़े। जो ही बछड़ा ढूंढने के लिए कृष्ण भगवान आगे की ओर गए, यहाँ तो ब्रह्मा जी ने सब बालकों को उठाई लिया। लो यहाँ बछड़ा ढूंढ के वापिस आए तो तेरे ब्रह्मा जी तेरी करतूत बड़ी है। कृष्ण ने तुरंत इच्छा करी और सभी गोप बालकों का रूप ले लिया और सभी बछड़ों का रूप ले लिया और वापिस घर की तरफ प्रस्थान किए। जैसे अपन फिल्म देखते हैं तो उसमें देखते हैं हनुमान जी आग लगा रहे हैं, देखते हैं ना, लेकिन पर्दे पे आग लगती है? ऐसे ही कृष्ण की लीला है। आप कृष्ण की लीला ऐसे सोच के मत लियो, तुरंत सबके सबकी भोग लग जाते हैं। ये सत्य है, श्री कृष्ण लाठी बन गए, श्री कृष्ण बछड़ा बन गए, श्री कृष्ण ही स्वयं गोप बालक बन गए। बहुत लोगों की गायों की भी इच्छा थी और बहुत लोगों की इच्छा थी कि भाई कृष्ण मेरे पास आए, कृष्ण को मैं कब चाटूं, कृष्ण को कब मैं प्यार करूं, कृष्ण मेरे कब बने। सब गोपियों की भी इच्छा थी, आज कृष्ण ने वह इच्छा पूरी करी। सब रूपों में कृष्ण हो गए। जब जो जो गोपियां जाए, जो गोपियों ने गोप को देखा, ऐसे आतुर होकर उनको गले लगाए अपने बच्चों को, क्योंकि वो कृष्ण ही थे। जो गायों ने बच्चों को देखा तो आगे लेकर के जो करे, सारे के सारे सर्व विष्णुमय जगत हो गया और सब लोग उसको पार करने लगे। अब इधर वो लेकर के आए, एक साल तभी तो हुआ, इधर बछड़े भी गए, गाय गई। ब्रह्मा जी ने कृष्ण को लगा कि जिया इसको जरा सबक सिखाएं। ब्रह्मा जी को रूप लेकर के एक साल तक तो उनको दिया, फिर ब्रह्मा जी को रूप लेकर वहाँ बैठ गए। और ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भैया इधर आना, पहरेदारों, एक ब्रह्मा रूप पे नकली ब्रह्मा घूम रहा है, तो तुम ध्यान रखना, आने मत देना। और वो ब्रह्मा जी सबको लेकर के, सबको इकट्ठा करके रख दिए, बछड़ों को और गोप बालकों को वहाँ पे। देखे अब देखें कहाँ है वो कृष्ण और कहाँ थे आए गोप बालक। नीचे आए के देख रहे हैं तो इतने के इतने गोप बालक है, उतने के उतने बछड़े, वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। वो देखने के लिए आए, यहाँ पे कृष्ण ब्रह्मा बन के ऊपर चले गए और ऊपर जाए के और बैठे रहे और बैठे रहे। इतने में वापिस गए कि वो ही तो नहीं आ गए। ऊपर जाए तो पहरेदार ने कहा, हटो, तुम कहाँ थे ब्रह्मा आग बन के आ गए हमारे ब्रह्मा जी? अरे मैं ब्रह्मा हूँ। बोले, काय के ब्रह्मा हो तुम? तुम तो ब्रह्मा हो ही नहीं, हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं। सच बात है, ब्रह्मा जी कुछ नहीं, उन्होंने ये दिखाया कि तू मुझे एक रूप होके मानता है, मैं सर्व रूप में मैं ही विराजमान हूँ। इसके लिए ये ब्रह्मा जी की लीला करी और सर्व विष्णुमय जगत कहा। ये एक वर्ष तक पूरी लीला हुई और चार प्रकार की रासलीला आगे बताई है। एक पहली है वेणु गीत प्रसंग जो कुमारिकाओं के साथ हुई है, दूसरी यज्ञ पत्नी प्रसंग जो विवाहिता गोपियों के साथ हुई है, तीसरी गोवर्धन लीला जो वृद्धा गोपियों के साथ किया है, और चौथी सन्यासी प्रसंग जो सन्यासी गोपियों के साथ करी है। ये गोप बालकों के साथ जो लीला करी, गायों के साथ करी, गोवा गोप की युवतियों के साथ करी, जिनसे कृष्ण बन करके सबसे मिल रहे हैं, ये देखिए इसका भी कोई तात्पर्य है। कृष्ण बन के सबसे मिल रहे हैं, मतलब सबके साथ रस में रस मिल रहा है, दोनों आत्मा को आत्मा का रस पिला रहे हैं। यहाँ पे सबके साथ रास हो रहा है, रसो वैसा इति रास है, दोनों को रस पिला रहे हैं। बछड़ा बन करके गायों को पिला रहे हैं, बच्चा बन करके अपनी माता को। बोल कृष्ण कन्हैया, सबने एक दूसरे, कृष्ण ने सबको रस खुले हाथों से बांटा है। कोई पीने वाला चाहिए, पिलाने वाला बैठा है। भगवान अपने ही स्वरूप के साथ खेल खेल रहे हैं। और ब्रह्मा जी को जब पता लगा, अब बोले, आगे से ऐसा करोगे? ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के कान पकड़ के आ गए, बोले, मेरे को मोह हो गया था। ब्रह्मा जी बाल कृष्ण की परीक्षा लेने निकले थे, स्वयं की परीक्षा हो गई। कृष्ण ने नारायण के स्वरूप का दर्शन दिया और ब्रह्मा जी वहां पर स्तुति करने लगे। स्तुति का तो भजन बोलो, भजन
नौमीड्यतेभ्यः वपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपे छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवे त्रविशाड वेडु लक्ष्मी श्रीये मृदुपदे पशुपांग जाय। आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम है, उस पर पीतांबर बिजली की तरह दमक रहा है, कानों में गुंजा के कुंडल और सिर पर मोर पंख का मुकुट है, आपके मुख की शोभा निराली है, वक्षस्थल पर वनमाला झूल रही है, हाथ में दही भात का ग्रास, बगल में लकड़ी, कमर पर बांसुरी बंधी हुई है, कमल से कोरण चरण वालों मधुर गोप बाल वेशी आप परमात्मा का मैं वंदन करता हूँ। ब्रह्मा जी परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। उत्प्रक्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते माधुर दोक्ष जागसे। आपको लगता होगा ये बीच में संस्कृत क्यों बोलती हूँ, लगता है नहीं, ऐसा लगने से भागवत जी ही खुद बोलती है, इसलिए भागवत जी के श्लोक ले लिया करती है, जिससे भागवत जी आगे होकर के बोले। बोलिए भागवत भगवान की जय। कुछ परमात्मा अपनी स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं, कुछ वो भक्तों की इच्छा से धारण करते हैं। गर्भ में रही संतान का प्रहार माता को क्रोधित कर नहीं पाता, वैसे ही भक्त का क्रोध भगवान को क्रोधित नहीं कर पाता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं शरीर से 5 तत्वों का बना हुआ हूँ, जब तक मनुष्य प्रभु के भक्त नहीं होते तब तक उनके लिए राग द्वेष चोर आदि के समान है। ब्रह्मा जी ने वंदन और स्तुति करके क्षमा याचना की, ये ब्रह्मा मोहन निवारण लीला हुई। उसके बाद गोचारण लीला आरंभ होती है, पर गोचारण लीला छोटे से रूप में कह के हमें आगे पहुंचना है। माँ अब मैं बड़ा हो गया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का मुहूर्त हुआ, कन्हैया ने उस दिन गोपाल बनाया और गोपाल का गो मतलब गाय, गाय के पालन करने के लिए ही ब्रज में आए थे, तो गाय के पालन वहाँ करने के लिए गया। गाय में सभी देवताओं का वास, क्या करूं मैं, कुछ शब्द आता ना उसके ऊपर बोलने की चक्कर जाती हूं। मुझे गाय बहुत पसंद है, मेरे स्वामी जी ने 3 ग दिए मेरे को, गंगा, गाय और गीता, 3 ग प्रदान किए। तो गाय की इसलिए सेवा, डोंगरे जी महाराज भी कहते बोले, जब तक प्रभु ने अगर कुछ ऐसा बनाया है तो गाय की जरूर सेवा करनी चाहिए। बेटा गाय तो पशु है, नहीं मैं गोपाल हूँ, मैं गायों की रक्षा करूँगा, मैंने मेरे को गाय चराने जाना। तो लाला राह में कंटक कीड़ है तो तू का करेगा जा करके। बोले नहीं माँ, गाय तो पशु है, तू ना कह सो ऐसा कभी नहीं बोलो, गाय पशु नहीं, गाय तो हमारी माता है। जब तक कृष्ण गोकुल में रहे 4 प्रकार के संयमों का पालन किया, सिले हुए कपड़े नहीं पहने, पैरों में जूते नहीं पहने, शस्त्र धारण नहीं किया और सिर के केश नहीं उतारे, 4 चीज नहीं करी। इतनी सुंदर बात है और सबके पीछे रहस्य है, पर हमें आगे बढ़ना है। कन्हैया अपने पीतांबर से गायों को पोषता, अपनी मिठाई भी उन्हें खिला देता और उसके आगे धेनुका सुरवत की कथा आती है। ताल वन में एक राक्षस के रूप में धेनुका से रहता था, शिकायत की कि ताल फन में बहुत बहुत है। भगवान ने वहां जाकर के धेनुकासुर को देखा और धेनुकासुर देखा कि गधा है, हम सभी भी गधे के रूप में भी कई दफे वापर लेते हैं, ये तालवन का मालिक नहीं था, वहीं से रहता था। धेनुकासुर देहाध्यास है, अविद्या के कारण होता है और उसी लिए प्रभु ने वहां पर धेनुकासुर का वहीं पर जाकर के वध कर डाला। बोलो कृष्ण कन्हैया जरा फास्ट चलना है। इसके बाद कालीय नाग का उद्धार करने का विचार आया, वहां पर जाने के बाद पानी पीने के लिए जब लोग लेकर के गए तो जलाशय की तरफ कूद पड़े, लेकिन कालीय नाग में जाने के लिए कोई आदमी ने पकड़ना लगा, बोले मैं क्यों ना जाऊं, सबने पकड़ा कि यह कालीय वहां जमुना जी की तरफ तू मत कूद, वहां कालीय नाग रहता है।
तू जो जो भगवान किसी की सुने नहीं, उन्हें तो लीला कर दी थी भगवान जलाशय में कूदने गए, और कूद करके बाल मित्रों से कहा लाला मत जा, लाला मत जा, यहाँ सबके सब आ गए भगवान जलाशय में कूदे। काली नाग जो जो दस्ता सब भयभीत होने लगे। नाग पत्नियां कहती हैं वैसे तो हमारा पति दुष्ट ना है, लेकिन उसके मस्तक पर आपने चरण रखे, काली को मारा नहीं, काली नाग को मारा नहीं, उसके एक मस्तक पर इतने उसके फण थे, उसके फण पर नृत्य क्या किया, अपने चरणों का अंकन किया है, चरणों को अंकित किया है। और ये गोपियां जाके कहीं फणि भरा अर्पितम, ये गोपी गीत में कहेंगी कि जैसे आपने काली नाग के एक एक जहां पर चरण श्री जी के ठाकुर जी के पड़ जाए उसमें कोई भी प्रकार का अवगुण शेष रहेगा क्या मारने का डसने का, तो काली को शुद्ध किया, काली नाग को मारा नहीं। उसे कहा बोले मेरे को बाहर मत भेजो, बोले तुम यहां से बाहर जाओ, बोले मैं जाऊंगा तो गरुड़ जी मुझे मार देंगे। काली नाग ने कहा मैं नहीं जा सकता। भगवान ने कहा नहीं जाओ, वहां पर तुम जाओगे वहां पे गरुड़ जी तुम्हें मारेंगे नहीं, क्योंकि तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह है। काली नाग गरुड़ जी से छुप कर यहाँ बैठा था। काली नाग अपने इंद्रियों का ध्यास है, इंद्रियों का ध्यास मतलब जितने फण काली नाग के थे उतने हमारे अंदर ये छह फण है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। हम भी यही चाहते हैं फणि फणा अर्पितम ते पदाम्बुजम, आप अपने चरण हमारे भी हृदय पे रख दो, जिससे कि ये छह जो फण है काली नाग के हमारे क्षण भी हो जाए। इंद्रियों को विष को निचोड़ दो, और कैसे निचोड़ेगा, नित्य प्रति सत्संग की मंडली में जाने से, भगवान की याद आने से विष हो करके चला। अपने मन को सत्संग की मंडली में भेज दो, विष किया दो बार श्री कृष्ण ने दावाग्नि का प्रयाण किया, संसार रूपी दावाग्नि चारों ओर धधक रही है, कचहरी में ऊपर वालों का झगड़ा हो जाता है। ऐसा एक जगह हुआ, झगड़ा कितना करते हैं कचहरी में जाके, सबसे झगड़ा करते हैं, वकील आता है ना, वकील सबकी तरफ से डरता है, मैं जिता दूंगा मैं जिता दूंगा, ऐसे लगते हैं कि झगड़ा मिटा देंगे। घर गए, घर आते ही देखते हैं कि माँ और पत्नी में जोर से झगड़ा मिटा, अरे वकील यहाँ पर तो केस चलता, बोले यहाँ मैं केस नहीं चलता, पत्नी की तरफ बोलूं कि माँ की तरफ बोलूं, ये हमारी भी हालत वही है, हम बाहर के झगड़े तो बड़ी जल्दी मिटा देते हैं, यही दावाग्नि है जो हमारे अंदर धड़क रही है, इस दावाग्नि को केवल केवल ये सांसारिक दावाग्नि सबको घेरे हुए है। प्रलम्बासुर का वध किया, जो संसार के दावाग्नि बुझा सकेगा वो भगवान ही एक बुझा सकता है, प्रलम्बासुर का वध किया। भैया देखो रासलीला चलना है ना अपने को, थोड़ा तो दुर्गुण का नाश करो, लेकिन आज तो मुझे नहीं लगता कि रासलीला होगी, आज तो रास तक नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं फिर ऐसा है कि रासलीला को भी धड़ बोल दो, ऐसे नहीं चलता। अभी मेरे से वेणु गीत भी नहीं होएगा, वेणु गीत तो मेरा प्राण है, वेणु गीत तो अभी रासलीला के पहले प्राण तो वेणु गीत हो जाता है, ये तो पहला राग है। अब यहां से बांसुरी बजाना शुरू किया, वेणु गीत का आरंभ करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में पांच गीत हैं, मैं मुख्य मुख्य बोलती हूँ जो मुझे पसंद है। देखिए आप तो बहुत सब कुछ सुने हुए हैं, पहला गीत है जो पूर्व राग से जाना जाता है वेणु गीत, ठीक है ना। वेणु गीत के बाद आता है, इससे भगवान से मिलने के पूर्व आपके मन में कितनी उत्कंठा जाग रही है ये वेणु गीत से पता लगता है। तो वेणु गीत है पूर्व राग। दूसरा आता प्रणय गीत, जब अपना किसी से संबंध हो जाता है तो उसके बारे में अपने मन में थोड़ी थोड़ी भावनाएं उठने लगती है, तो उसको पेश करते हैं, क्या करते हैं, अरे सर अरे इसके लिए कुछ लाना, कोई प्रेजेंट प्रेजेंट देने का मन करता है, कोई अपन कार्ड देते हैं, एक दूसरे को बताते हैं ना अपन कि भैया अपने हम तुमसे प्यार करते हैं। आजकल तो SMS होने लग गए हैं, तो पहले कार्ड देते हैं, आई लव यू पेश करते हैं, मतलब प्रकट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो है प्रणय गीत। तीसरा वहाँ से होता है,
जब प्रणय को निमंत्रण स्वीकार कर लेता है लवर तब क्या होता है, उसके सामने निवेदन करते हैं, तब भगवान उसके सामने रास में उनको बांसुरी बजा के बुलाते हैं। बुलाने के बाद सबको लगता है हम तो कृष्ण के हैं, तब वहां पे तीसरा गीत शुरू होता है, गोपी गीत। गोपी गीत की तो बात ही मत पूछिए, क्या संयोग के बाद वियोग बताया है, संयोग के बाद वियोग बताया है। वो वियोग के बाद गोपी गीत के बाद चौथा गीत आता है युगल गीत, और युगल गीत के बाद कल आएगा, कल ही सब आएंगे, पांचवा गीत आता है भ्रमर गीत। मैं एक दफे भैया जी गई थी सीखने के लिए, ये पांचों गीत सीख, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल लाल की जय। दुर्गुण रहित होता है वही रासलीला में पहुंचता है, तो इसके लिए प्रथम जो गीत है वो वेणु गीत है। आज थोड़ी सी देर हो जाएगी, हमें गोवर्धन लीला में पहुंचना है, लेकिन मैं वेणु गीत आगे छोड़ नहीं सकती। इसका सबसे पहला जो श्लोक है वेणु गीत के पहले जो श्लोक है वो श्लोक जरूर लेना, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वाजः कनक कपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपद रमणम् संध्या काल का समय है, गोपियां देख रही हैं कि कृष्ण भगवान अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, सिर पर मोर मुकुट है, मुख पर छोटे छोटे धूलि कण है, कानों का कानों पर आंखों में कजरा बह रहा है, कानों में कनेर के फूल लगे हुए हैं जो कुंडल की तरह लग रहे हैं, और सिर पर मयूर पिछ देख करके सबकी गोपियां बाहर बाहर से देखती जा रही हैं, और सुनहला पीतांबर पहना हुआ है, और गले में वैजयंती माला किसको कहते हैं,
जो पांच पुष्पों की माला है वो वैजंती माला है, पांच पुष्पों की माला को वैजंती माला कहते हैं। जैसे एक नटवर वपु, जैसे एक नाटक करते हुए जो नट का वेश होता है, वो नट का वेश श्री कृष्ण चंद्र स्वयं धारण करके आए हैं और क्या कर रहे हैं, बांसुरी के छिद्र से अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बहन उनके लोकावन की कीर्ति का दहन कर रहे हैं। प्राविशद गीत कीर्ति ये श्लोक का अर्थ इसलिए करा, यही श्लोक सुन करके दिगंबर जो मायातीत सुखदेव जी का ध्यान अगर किसी ने खींचा है भागवत के, तो प्रथम श्लोक ये ब्रह्म परिहार पीड़म से खींचा है। मतलब इस श्लोक में कोई ना कोई जरूर ऐसा जादू का टोना है जो कि गोपियों का भी ध्यान खींच रहा है और यहाँ पर उनका भी ध्यान खींच रहा है। इसके बाद भगवान ने बांसुरी बजाई सुहावनी, शरद ऋतु आई। बांसुरी का थोड़ा सा बोल के फिर आगे बढ़ेंगे। बांसुरी बजाने के बीच में बांसुरी का थोड़ा सा रूप बताते हैं, बाकी कल रासलीला के पहले कर लेंगे, आज समय नहीं। वेणु गीत के जितने श्लोक हैं वो भिन्न भिन्न के हैं, पहले बांसुरी ही क्यों बजाई और वो वेणु क्यों इतनी वेणु बजाई, वेणु बांसुरी ये जो वेणु नाद वंशी बजाते हुए सारी गोपियों के मन में आया और वो वहां से चल बटे और चलते चलते वो सबके मन में आने लगा और प्रथम श्लोक सबने गाया। अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेशसुतयो रनुबेणजोष्टम् यैर्वाणिपीत मनोरक्त कटाक्षमोक्षम। गोपियां कहने लगी मैंने तो आंखों का एक ही स्वरूप देखा है, जिन आंखों में कृष्ण का रूप बस गया है उसको दुनिया में और कुछ नजर नहीं आता। अक्षुण्णताम इन आंखों का इतनी समझदारी है कि हमें और कुछ मालूम ही नहीं है। अरे गाय को हाँक हाँक करके जब कृष्ण ब्रज में आ रहे हो उस समय हनु मुख माधुरी का पान करें। गोपरी गोपियों वेणु तो पुरुष जाति का होने पर भी देखिए वेणु का कितना अर्थ है। मुरली को क्यों लिया, बांस की, क्योंकि बांस पोला होता है और बांसुरी उनकी तकिया है, आंखें दासियां हैं, पलके पंखे हैं, नथनी छत्र है। इस बांसुरी का परमात्मा के साथ विवाह हुआ है, अतः इसे नित्य संयोग प्राप्त है। एक गोपी ने बांसुरी से पूछा, अरे सखी जहाँ पर हमारा अधरामृत की तरफ आना चाहिए तुझे कैसे मिला। गोपी ने कहा मेरा पेट खाली है, मैं पोली हूँ, मैं कुछ नहीं रखती हूँ। तो बोले पेट खाली है, बोले हाँ मैं अपने पेट में कुछ ही नहीं रखती, सो भगवान की प्यारी हूँ। और डंडा सारा बैर द्वेष सब निकाल करके तब उन्होंने मेरे को अपने दिया और मैं बजती कैसे हूं, जब मेरा श्याम सुंदर जो स्वर इसमें बजाना चाहता हूं वही मैं स्वर निकालती हूं, मेरा अपना कोई स्वर नहीं है, मेरे में कई गुण हैं। किसी ने मेरा पेट कुरेद कर मुझे पोला करके उसमें छिद्र कर दिए कि कोई भी ऐसी बात मेरे अंदर आती है वो सब निकल जाती है, मैं पोली की पोली वहां आती हूँ। अरे सखी ये जो बांसुरी बज रही है ये वृंदावन वैकुंठ लोक सब तक कीर्ति का विस्तार करती है, हरनिया भी इसकी वंशी की तान सुनकर आ जाती है, देवी देवताओं देवतियां भी जब ये बांसुरी की आवाज सुनते हैं सब वहां से अपनी जगह छोड़ देते हैं, देवताओं नहीं देवियों को देखने लगते हैं। अरे तुम देवियों की, एक सखी कहती तुम देवियों की क्या बात करते हैं, गौ भी अपनी तरफ नहीं देखती, अपने बछड़ों को छोड़ छोड़ करके आने लगती है, बछड़े की दशा और निराली हो जाती है। अरे पक्षियों की दशा देखो ना, संसार में ऐसा ब्रह्मा में ब्रह्मा के बनाए संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है। अरे अंत तक तो यहाँ तक कह दिया कि
की जड़ चेतन हो जाते हैं और चेतन सारे के सारे जड़ हो जाते हैं। जो जमुना जी बह रही है वो एकदम स्थिर हो गई है और जो गिरिराज पर्वत अचल है वो चल होकर के बहता है। ये भक्तों के भगवान के भक्तों में गिरिराज जी सदा श्रेष्ठ है। अरी सखी एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिण वर्णयंतो मिथो गोप्य क्रीड़ा स्तर में या काम पशु काश्य वेणु। हम भी बन मुरली की तरह बजे और दीपवंशी ये है छिद्रित होने पर भी अस्तित्व नहीं रखती है। आज के बाद मेरी अपनी सब बहनों से आवश्यकता है और प्रार्थना है और कुछ नहीं करें तो अपने में छेद कर लें तो कोई बात कहीं से सुनी हो तो उसे अंदर जमा अंदर से पोले हो जाए खाली हो जाए। आज से खाली हो जाओगे? ओहो अभी तो सबके सब खाली हो गए। हमें अब गिरिराज गोवर्धन तक पहुंचना है। इसके आगे बांसुरी की लीला के बाद यज्ञ पत्नियों पे कृपा करी। यज्ञ पत्नियों पे कृपा करने के बाद यज्ञ पत्नियों पे कृपा करी कि ब्राह्मणों से कहा कन्हैया ने लेकर के आ और उन्होंने कहा कि खाने का भोजन यज्ञ के ब्राह्मणों ने कहा। देखो जेंट्स होते ना जल्दी इनको उनको दया नहीं आती वो अपने क्रोध और अहंकार में बहुत भूषित रहते हैं जेंट्स रहते हैं। तो यज्ञ के जो वो थे ना राजा वो ऋषि मुनि वो वहाँ पे ओम स्वाहा स्वाहा अग्नि स्वाहा अरे इन बच्चों को कौन देगा कोई देने वाला नहीं है हटा दिया। गोप बालक आए लाला वहाँ तो जाके मांगे कोई ने कछु दियो ना है। बोले अच्छा ऐसा करो आपके इनके पास मत जाओ आपके उनके पत्नियाँ ना उनके पास जाओ और वहाँ पे यज्ञ पत्नियों के साथ रास खिलाने के लिए वहाँ ले करके गए। यज्ञ पत्नियों ने कहा बड़े बड़े थाल ला करके ठाकुर जी के लिए आरोहा तो पहला स्वाद तो वहाँ पर ही हो गया। इवना यज्ञ पत्नियों से करने के बाद वैसे तो चीरहरण लीला पहले पर चीरहरण लीला का आगे इसके बारे में कल बता देंगे क्योंकि चीरहरण लीला पहले होने के बाद निर्वसना बताने के बाद फिर गोवर्धन लीला की ओर प्रस्थान किया है। और चीरहरण लीला के पहले हम इसका विस्तार चीरहरण किया है। सखियाँ गोपियाँ नहाने लगी और उनके वस्त्र हटा दिए और उनके वस्त्रों को वापस गोपियों ने मांगा उनको वापस वस्त्र कहा यहाँ से उठा लो और वस्त्रों को दिया। ये चीरहरण लीला करने के बाद गोवर्धन लीला के पास अपन आते हैं। बोलो गिरिराज महाराज राज की जय। ये गोवर्धन लीला के पश्चात आएगी रासलीला। कल हम बताएंगे कि क्यों रासलीला के पहले गोवर्धन लीला हुई और क्यों पहले चीरहरण लीला हुई इस सब का आशय कल बताएंगे। अभी हम गिरिराज गोवर्धन पे जाते हैं। गो मतलब इंद्रियां इंद्रियों का संवर्धन जो होता है जो वर्धन करता है वो गिरिराज महाराज। गोवर्धन लीला में रासलीला का उद्घात है और नंद बाबा एक दिन देखा सब जगह बैठ करके बड़ी बड़ी सामग्री बन रही है सब कृष्ण कन्हैया का बाबा ये सब काहू के लिए बन रहे हो। अरे तो को पतो ना इंद्र भगवान की पूजा करनी पड़े तब जाकर के अपने आप बरखा हो। बोले का बात करो इंद्र भगवान की पूजा करें आप गोवर्धन की पूजा कहाँ नहीं करो। अरे तुम चिंता ना करो गोवर्धन नाथ वो गोवर्धन कांत कैसो देवता है। अरे लाला मोकू बताए थे। अरे वो तो साक्षात देवता है वाको तुम भोग लगाओगे तो वो पूरों को पूरो खाए लगो और पूरों को पूरो प्रसादी में दे देगो। अच्छा बेटा हमने तो नहीं देखी हमने तो कबू। बोले आपने कभी आज तक इंद्र के दर्शन किए नहीं किए। बोले मेरे गोवर्धन के तो दर्शन करा दूंगा मैं। ले ऐसे तू दर्शन करा देगो हाँ पूरों को पूरो जी में गो। बोले अच्छा जी में गो हाँ फिर प्रसाद भी दे देगो। बाबा ने कही भाई तेरे तो गोवर्धन भगवान अच्छे ही है सबने कहा और ले लेके भर भर के जो छकड़े जो बने हुए थे वो सब झकड़े ले ले करके और चल पड़े और गोवर्धन नाथ के महाराज के पास जा करके और वहाँ पर पूजा शुरू करी। और पूजा शुरू करने के बाद और गीत ला करके और जितने जितने छकड़े हैं ला करके उन्होंने वहाँ पर रखे और रख करके कहा कि हे गोवर्धन महाराज। बोले कैसे करूँ लाला तिलक। बोले ये तिलक हाँ उतार लो जो तिलक उठा जो तिलक लगाने लगे और गोवर्धन अब दो मिनट ठहरिएगा ये उठा ले उसके बाद आप पाँच मिनट के बाद आरती करेंगे थोड़े गोवर्धन के पद गालेंगे भोग के पद गालेंगे और फिर उसके बाद आरती करेंगे। आध्यात्मिक आधिदैविक और आधि भौतिक ये तीन प्रकार के स्वरूप हैं। भगवान ने वहाँ पे स्वयं भी स्वरूप लेकर के गए और गोवर्धन नाथ में भी स्वयं का स्वरूप विराज दिया। अरे लाला तेरो गोवर्धन नाथ तो सांस ले
अरे इतो पर्वत और सांस ले बे। तो जोर जोर से लाला ने ऐसे ऐसे करना शुरू करे। अरे लाला अगर याकूब ये सांस ले तो खातो भी होगा। हाँ अरे बाबा या इनकी पूजा करो तो ये देव साक्षात देव है। और आज तक कलयुग में गोवर्धन नाथ की पूजा सभी लोग करते हैं। गिरिराज जी महाराज, बोलो गिरिराज महाराज, बोले इनको भोग लगाए बिना तुम खाना मत। लाला इतनी इतनी पूड़ी कचौड़ी दिख रही, एक कचौड़ी दे दे। लाला जलेबी हो तो दे दे, लड्डू तो दे दे। अरे सबने कहा लाला तू नजर ना लगा, लाला का सखाओ तुम नजर ना लगाओ, तुम सब छोड़ दो और गोवर्धन नाथ को भोग लगाए बिना नहीं कर दे। हे गोवर्धन नाथ आपको कौन खिला सकता है, आप तो समग्र जगत के अन्नदाता। ऐसे बोलो हे गोवर्धन नाथ। ऐसे कन्हैया ने सब वृंदावन के जितने नंद बाबा के लोग थे उनसे कही हमारी भावना है कि आप या भोजन को निहार लेंगे तो भी या भोजन में अमृत बरस जाएगा। और जो ही सबने नेत्र बंद करके प्रार्थना शुरू करी, इधर गोवर्धन नाथ में भगवान स्वयं पधार करके धमाकदम छबड़ी उठाए के ओम तदीयम वस्तु गोविंद स्वाहा स्वाहा सब करने लगे। अरे लाला अरे इतने में दो चार जो कन्हैया के बाल गोपाल थे वो बोलने लगे कन्हैया तो सगरों खा रहे हैं, हमें प्रसादी देगो कि ना है। बोले नहीं मेरा ठाकुर जितना खावे उतनी प्रसादी वापस दे देवे। वो देखो उधर लक्ष्मी जी आए गई, वे जिसके घर का भोजन करती है उस पर महालक्ष्मी जी की कृपा होती है। कन्हैया चाहे जितना खइयो पर बिगाड़ मत दइयो, अन्न को अपमान गोवर्धन राज गिरिराज जी महाराज को प्रसाद आज भी आज के दिन भी लोग गिरिराज जी को प्रसाद ऐसे करके पावे। सभी को प्रसाद दिया गया, सभी ने रात्रि के समय तलहटी में वो वहाँ तक करें कि खाली गिरिराज जी का भोग तक पहुँचे कि बरसात तक कर लें, इंद्र को भोग तक ले लें पूरा प्रसंग पूजन कराते तब तक। नहीं पूजा तो करी उसके बाद इंद्र का प्रसंग तक लगे कि नहीं तो इंद्र का उन्होंने यहाँ पे इंद्र ने देखा कि मेरे को भोग लगा नहीं है और ये तो भोग कोई और को लग रहा है। मेघों ने वज्र का सा हाहाकार मचा दिया, मेघों को आज्ञा दी 7 कोस के ब्रज को तुम 84 कोस के ब्रज को तुम मिटा डालो, हाहाकार मच गया। कार्तिक मास में कभी इतनी वर्षा नहीं होती, लेकिन नंद जी भी व्याकुल हो गए। कन्हैया कहने लगा प्रभु गोवर्धन नाथ सबकी रक्षा करेंगे, उनमें विश्वास रखो, सबके सब गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। और कन्हैया ने उसी समय चिटकी बाएं हाथ की चिटकी अंगुली को भार रहित खड़ा करके मैं सभी की रक्षा करूंगा। लाला ऐसी बात है तो मैं कन्हैया कहे पर मैं अकेला कैसे उठा पाऊंगा, सब जने आओ मेरी सहायता करो। गोवर्धन नाथ फूल से हल्के हो गए और कन्हैया अपनी उंगली पे खड़ा गिरिराज जी को उठा करके बोल नंद के लाला की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय। सबको परम आश्चर्य हुआ, 7 दिनों तक चिट्टी अंगुली पे गिरिराज गोवर्धन को उठाए के खड़े रहे। तो सबने अपनी अपनी लाला थक गए होएगा अपनी अपनी लकड़ी लगाए देनी और लकड़ी लगा के लाला तेरे को थोड़ा सो विश्राम करना हो तो तू थोड़ी नेक अंगुली नीचे कर दे और हम लकड़ी लगाएं। जो ही लाला ने थोड़ी सी अंगुली नीचे करी नीचे लाला 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 उठा ले ये हमारी लकड़ी पे नहीं है। आधार लेना हो तो स्वयं ईश्वर का आधार लेना चाहिए, कन्हैया अलौकिक शक्ति से होता है। और सभी ब्रजवासी 7 दिनों के अंदर इंद्र को कन्हैया का वास्तविक स्वरूप का भान हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन नाथ के नीचे तले सभी ब्रजवासियों के और गायों आदि की रक्षा करी। सभी ब्रजवासी बाहर आए, इंद्र ने श्री कृष्ण के दूध से अभिषेक किया और उस दूध को जहाँ इकट्ठा किया गया वो उसे आज भी सुरभि कुंड कहते हैं। नाम गिरधारी पायो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे तेरे माथे मुकुट विराज रे तेरे माथे मुकुट विराज रे
श्री गोवर्धन महाराज महाराज रे माते मुकुट पे धारी रे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माते मुकुट पे धारी रे हो पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े ऐसे कल्पना करो हम गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं ऐसा सोचिए हम गिरिराज जी में गिरिराज जी की तलहटी में खड़े हैं और गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं ओ तो पे पान चढ़े